फाइनली गाइज आफ्टर 6 months आ गई है राउंड टू हेल्थ की वीडियो. ओ माई गॉड, इतना लंबा टाइम. और उसके बाद जो इनकी वीडियो आती है ना, पूरा तहलका मचा देती है पूरे यूट्यूब पर. मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने चेक किया, आज के दिन में मतलब 2 बजे वीडियो आई है, तो मैंने चेक किया कि देखो एक बार कितने महीने बाद आई है. मुझे ऐसे 2 से 3 महीने लग रहे थे, लेकिन आई वॉज लाइक वेरी शॉक जब मैंने देखा ना 6 months लिखा था. ओ माई गॉड, मुझे लगा ला कितना टाइम बाद वीडियो आ रही, मुझे अंदाजा भी नहीं था. अभी कुछ टाइम पहले मैं कॉल पर ही बात कर रही थी कि कल हम शाम में मूवी चल जाएंगे देखने के लिए. मुझे वहां से पूछा कौन सी मूवी जाएगी वैसे, तो मैंने बोला आदि मानव. मेरे मुंह से अचानक निकला आदि मानव, फिर मुझे क्या आफरीन आदि मानव मुझे कॉल पे बोला, तो मैंने बोला कि अरे सॉरी सॉरी एनिमल मूवी. मैंने अब तक एनिमल नहीं देखी है. मेरा ऐसा प्लान था कि मतलब मैं पहले आदि मानव देखूंगी आज एक बार, उसके बाद ही जाऊंगी. चलिए फिर, आज ही वीडियो आई थी 2 बजे, लेकिन अभी तो 12 बज के गए. रात के 12 बजे के बाद मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा था, क्यों ना अभी देखा जाए. और सच्ची में मैं न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आफ्रिन शेख एंड आई एम बैक विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो. फाइनली मैं न्यू रिएक्शन वीडियो ही कर रही हूँ, वरना हमेशा वीडियो आकर टाइम हो जाता है और मैं बाद में रिएक्शन देती हूँ, तो वो न्यू वीडियो नहीं रह पाती. ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आदि मानव के इस वीडियो में क्या दर्शाया है राउंड टू हेल्थ ने और क्या स्टोरी बताई है. सो लेट्स सी द वीडियो गाइस, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. यूज हेडफोन्स वार्निंग. कभी कभी जीवन आपको ऐसे तूफानों में फेंक देता है जिन्हें आते हुए आपने देखा तक नहीं था. ऐसा लगता है जैसे आप धारा के खिलाफ तैर रहे हो, मानो पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश रच रही हो. फिर हम भागते हैं, मैं भी भाग रहा हूं, पर ये भागना नहीं है, ये तो एक कदम पीछे हटकर सांस लेने जैसा है. बल्कि ये कहो, ये तुम्हारे कहने का तरीका है कि होल्ड ऑन लाइफ, आई एम नॉट डन येट. बिल्कुल डिफरेंट है ये. क्या सीन है, मतलब क्या ही, बाप रे बाप, क्या फिल्मिंग की. वेल, आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ और क्यों भाग रहा हूँ. मेरा नाम है काय और आप पीछे जो लोग देख रहे हैं वो मेरे ही कबीले के लोग हैं. मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके इस वर को बुरी तरह पीट दिया है. अब आप सोच रहे होंगे क्यों, कब, कैसे, तो आओ इसको शुरुआत से देखते हैं. लगभग 16 लाख साल पहले, जहां हम लोग अपने और प्रकृति के तौर तरीकों से जी रहे थे, जहां हमें जीने के लिए शिकार करना पड़ता था, और ना मिलने पर अफसोस. ये कौन सी जगह है, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें, और वो भी जो है तेरे जीवन में. ये जरूर कोई सपना होगा, गोली मार कर देखता हूँ. अच्छा, अरे ये भाई, वो तो गोली मार रहे हैं. अगर सपना ना हुआ तो दिस इज द बेस्ट वे. तो असलियत है, तो शिकार के पीछे लगे हुए हैं. ओह माय गॉड, चलो इंसान तो दिखे इस वीरानी में. ये कैसी ड्रेस है, जरूर कोई फैंसी ड्रेस का चुतियापा होगा. हेलो, मेरा नाम जोय और क्या मैच हूँ, ये लोग क्या समझेंगे इस बार. Thank you.
अजीब बातें बताई जाती हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए अब वक्त था चीफ को कॉल करके बुलाने का। अब जरूरत थी दूसरी कॉल की, पर टॉक टाइम की वैधता अब खत्म हो चुकी थी। गाय को बुलाओ जल्दी। शायद मैं ही मानव जाति का पहला स्केच आर्टिस्ट था। स्केच बनाया। चीफ को यह लगता था कि वो कोई ज्ञानी है और उनकी इस गलती का फायदा उठाने से मैं कभी चूकता नहीं था। क्या बात? करते बात ये क्या था? But still... आज सब कुछ कितना अजीब हो रहा है ना। पहले वो आदि मानव और अब ये जरूर कोई सपना ही है जोए। थोड़ी देर बाद गोलियों का अलार्म खुद उठा देगा। सो जाता हूँ। भैया वैसे आप जा कहाँ रहे हो? किसी को बताना मत, मैं ना ग्रीन हाइट ट्रैकिंग पॉइंट पर जा रहा हूँ। पर वो तो यहाँ से अभी 20 किलोमीटर आगे है, आप यहाँ क्यों उतरे? तो मेरे पास पैसे नहीं है ना आगे जाने। लेकिन एक सीक्रेट बताऊँ तुम्हें? सुनो, यहाँ ना सीक्रेट ये है कि यहाँ पर ना एक शॉर्टकट है ग्रीन हाइट ट्रैकिंग पॉइंट जाने का। कैसे पता? ज्ञान से। कैसे कैसे सिरफरे लोग आते हैं, फिर शासन ने वहां जाने के लिए मना कर रखा, ये लोग फिर भी वहीं जाते हैं। क्या सपना देख रहा था।
कुछ टाइम के लिए मुझे लगा। ये है काड़ों की ड्राइव मूखा। सिट सिट। ए ओ निक फ्यूरी, चला मत दियो, फुर हो जाएगा। ओ, 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 ओ। अब ये लोग कौन हैं? अरे नहीं यार, ये हो क्या रहा है ये? अब काड़े का नॉइस कैंसलेशन भी एक्टिवेट हो गया था। क्या? इसका मतलब ये बंदूक को चमत्कार और मुझे गॉड मान रहे हैं। ये मैं नहीं कर सकता, ऐसे करने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे घर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लग गई आखिर में काय के हाथों ये बंदूक लग गई। अब क्या होगा? Let's see. Shit. ये मैं कैसे भूल गया? ये वो दिन था जब मैं सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि हमारे यहाँ आए थे गोल्ड। किसी के आंट किसी की गांड। बंदूक कहाँ है? ओ, ओ, बंदूक गन। ओ, 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 ओ। किसी की आंट किसी की, ये सही था? आप रे, किसी का भाई किसी की जान, ये उसी का इन लोगों ने डायलॉग को कर दिया।
तुम लोगों को अंदाजा भी है कितनी खतरनाक चीज है वो। सालो, खानदान खत्म हो जाएगा तुम्हारा पहन के लोड़ो। और अगर मुझे दोबारा 2023 में जाने का रास्ता नहीं मिला ना, तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें तमीज क्या होती है। समझा? मान के लोड़ा। अच्छा, इसने इसकी गाली सुन के रिपीट किया। आई थिंक सो। नहीं तो बोला था अभी। और अब इन लोगों को लगने लगा था कि इस बंदूक में कोई दिव्य शक्ति है जो ट्रिगर दबाने पर गॉड को बुलाने में सक्षम है। इसके पास बंदूक है इसीलिए तो नहीं इसको ढूंढ रहे हैं और इसका पीछे भाग रहे हैं। देख ले फाइनली उसका बैग तो मिल गया। कुछ करना पड़ेगा जो है। हाँ गांड खाने की चीज नहीं है वो।
वाली बात नहीं है। अब पूरी तरह से बिसबास होने वाला था कि हमारा गोल्ड है और सोने पे सुहागा। अभी अभी चीफ ने गोल्ड को बादल नीचे लाते हुए देखा है। ये लोग मुझे ईश्वर मानने लगे हैं, पर वो कुछ अलग लग रहा है। सुनो, तुमने ये जगह कहीं देखी है? अरे खाने की चीज नहीं है ये, देखो ये जगह कहीं देखी है? ये देखिए, मैं बहुत खुश था उस जगह जाने के लिए, उस उम्मीद की एक किरण को देखने के लिए, पर सरदार के कहने पर हम रुक गए। ये सुबह सुबह तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं लैट्रिन तो नहीं कराने जा रहे? Oh God. अरे वाह, ये तो वही जगह है जहां से मैं आया था। हाँ, इसी जगह से तो मैं निकला था। हाँ, यहीं से आया था मैं कल। नहीं हो लगता वाली जगह, मैं वापस देखता हूँ। बट ब्रो, आज का लेसन जरूरी है बहुत। आज कुछ नया इन्वेंशन करने वाले हैं गॉड। इतनी बार कहूं वो तुम्हारा गॉड नहीं है। तुम चलते हो हमारे गॉड से, तुम अच्छे नहीं हो। तुम चलते हो हमारे गॉड से, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। वो सच में लड़ रहे हैं, लेसन नहीं चल रहा। चलो फ्लैश यहाँ से, इस गुंडा बॉय आई डोंट लाइक हर। लेकिन इस गैल की झांट हिम होता है। हिम ही तो हो बे, पहले क्यों ना बताया।
जाओ। आज जो आविष्कार मैं करने वाला हूँ वो आविष्कार आने वाला भविष्य बदल के रख देगा। लेकिन उससे पहले अगर माइक होता तो एक स्पीच देनी थी मुझे। माइक होता है। माइक है। पेश किया जाए। अरे बाप रे। माइक चेक। तो आज हम लोग जो अभी ये मुझे अलग ही माइक दिख रहा है। नहीं ये भी माइक। हाथी का दांत तो फिर क्या है हाथी का? तो आज हम लोग जो आविष्कार करने वाले हैं उस आविष्कार के बारे में तुम मुझसे कई सालों से पूछते आ रहे हो। पता है किस चीज का आविष्कार? आग का आविष्कार। ये आग होती क्या चीज है? खाने की चीज होती है, जैसे ही बन जाए मुंह में डाल लिए। हाँ ये है पत्थर। पत्थर दो पत्थरों के आपस में रगड़ने से आग पैदा होती है। अब देखो जादू। मैंने भी बचपन में ट्राई की थी, नहीं हुआ था। सुरक्षा देती है। सुरक्षा। आग पे हम खाना बना सकते हैं। आग हमसे बात करती है। आग जलाना बहुत आसान है। रेस्त्री का सलमान खान। सलमान के जमाने भाईजान थिएटर में क्यों रिलीज नहीं की? जल गई। आग खाने की चीज नहीं है, जल जाएगा। दबाता जोड़ा पत्थर इसलिए ताजमहल की बुनियाद रखनी है। अरे पड़ोसियों को देख आग लगानी है। आग जल्दी जा। फिजिक्स स्टूडेंट मारो, तेरा कॉरेस्पोंडेंस कोर्स नहीं रुका यार जरा देर को। अब क्या डिग्री लेके जाएगा इससे? पत्थर पत्थर और क्यों नहीं मिल रहा? दल आग दल आग दल आग दल आग दल आग आग जल की नहीं रही। दल आग दल आग दल चल क्यों नहीं रही? आग चल आग चल आग आग चल आग चल आग 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 बात करने लगी। आग बात करने लगी और तेज आवाज़ तक आग आग चल आग अबे ची वो मत चला। जी आग हमारे गोल्ड ने कहा था आग हमें ठंड से बचाती है। ऐसे तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। चमत्कार देखोगे? आंखें बंद करो। चल गए। लाइटर से जला रहा है ये। गोल्ड ये आपके कपड़े मैं ड्राई क्लीन करा लाया हूँ। मुझे नहीं पहनने ये कपड़े। तुम लोग मेरी तरह नहीं बन रहे तो मैं तुम्हारी तरह क्यों बनूं?
इंसान प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके आविष्कारों की गिनती अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज का आविष्कार दुनिया को रफ्तार देगा, क्योंकि आज हम करेंगे पहिए का आविष्कार। पहिए के आविष्कार से पहले अगर एक स्पीच हो जाती तो मजा आ जाता। स्पीच नहीं होगी, बिना स्पीच के होगा। ये पहिया क्या होता है? पहिए के जरिए हम यहाँ से वहाँ कम समय में तेजी से जा सकते हैं। रियली इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो? याद रखो, हम सिर्फ ये पहिया नहीं बना रहे हैं, हम इतिहास बना रहे हैं। चीफ, एकदम गोल बनना है ये। बना रहे हैं। गोट को खुश करना चाहते हो? हाँ। इससे तेज रफ्तार वाला बनवा दूं तो? वो कैसे बनेगा? इधर देखो, ऐसे करना, ऐसे ऐसे और ऐसा बना लो। बना रहे हो दुनिया के सबसे पहले चीटर? हम बना रहे हैं भैया। भैया तो तेरी मैया बनागी। पहिया, हम बना रहे हैं पहिया, जिससे कि हम पकड़ेंगे दुनिया में सबसे तेज रफ्तार। अरे भसड़ी के ख्वाब तो कात के अनुसार देख ले। चलो फाइनली बन गया जीव मैंने भैया बना लिया। हमने भैया बना लिया। ये बना लिया। अब हम पकड़ेंगे सबसे तेज रफ्तार। पकड़ो। कैसे? गॉड, भैया बन गया। सच में? दिखाओ जरा मेरे बच्चों, मुझसे सबर नहीं हो रहा। 1, 2, 3 घंटे पहन के भोसड़ो। ये क्या है भैया? ये पहिया? ये ऐसा होता पहिया? अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। हमको ये तो यस गॉड, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। लंगड़े, तेरी टांग में 19-20 का फर्क नहीं किया है। सब में 19-20 का फर्क है। आप सही कह रहे हैं, इतनी देर हो गई इस पहिए को पकड़े हुए, अभी तक हम यहाँ से वहां नहीं पहुंचे। अबे सालो, जाओगे भी कैसे? ऐसे चार पहिए बनाओगे ना, तब जाकर एक कार बनती है। ये कार क्या होती है? कार? हाँ, कार की आवाज ऐसी होती है, वरन भी ऐसी होता है। गॉड, क्या कार ऐसी होती है? हाँ, कार ऐसी होती है। एक्सक्यूज मी गॉड,
रफ्तार। ये कैसा पहिया लंगड़ा तक आगे निकल गया। बहन का भोसड़ा इस जमाने में 4x4 खाने की चीज नहीं है। अरे कहां से आई है? ऊपर से। तारे देखते देखते कारे लाने लगा। और क्या हम इससे यहाँ से बहुत तेजी से जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं, बैठो। उधर से जा, उधर से। उधर से। बच्चों पीछे बैठ जाओ, पीछे हैगी तो जगह। कौन बैठेगा फ्रंट पे? कौन बैठेगा फ्रंट पे? फ्रंट पे बैठेगा? फ्रंट पे बैठेगा? लंगड़े तेरी तो साले दूसरी भी तोड़ू। लड़ो इस जमाने में भी तो फ्रंट सीट के लिए लड़ लो। पीछे से भी अच्छा नहीं आता, फ्रंट का अच्छा आता। हम तो फ्रंट का देखेंगे। फ्रंट का व्यू देखेगा? हाँ ले इसका देख ले, ये भी फ्रंट पे। बहुत गुंडी बात है ना। ट्रेन के लड़ मान नहीं दिया, मान नहीं दिया है। एक एक कर गाओ। देखियो कितना खुश है चीप कार को देख, खुशी के मारे उनके आंसू नहीं रुक रहे। खुशी के आंसू ना है ये तो गम के ना, गांड के। हमारे चीप से बैठा ना जाता तो हमारे चीप अब कैसे जाएंगे? हाँ बैठा ना जा रहा ना उससे। जानवर पे बैठे थे ये जरूर कोई नई प्रजाति का गैंडा है। चलो इसका शिकार करेंगे कभी ना कभी। गॉड भगा 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 गॉड भगा भगा गॉड इधर बुलो, इधर बुलो। रिएक्शन देखो नाज़िम का, गॉड का रिएक्शन, सो जेन्युइन। गॉड पापा चालू करे पहिया काम। उसे पहिया कहमे ना, उसे पहिया कहमे टिकोना है वो। ना आग जलाना सीखे ना पहिया बनाना। बहुत बुरी हालत दिखा दी गाड़ी की। ये काय का प्लान क्या हो रहा है?
अलग ही हटके हैं, वो तो है ना। मैंने इनकी गांड से यही धुआं निकाल दिया तो मेरा नाम काय नहीं। आज गॉड क्या नया सिखाने वाले हैं? अब हम वो करना सीखेंगे जिसकी मदद से हमें शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानते हो ये क्या है? ये है बीज। और अब हम सीखेंगे करना खेती। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुलवा दे, इंजीनियर बना दे ना एक इसको। तो अब तक की कहानी आप जान चुके हैं, मैं भी घर चलता हूँ। ये भी इंसान तो नहीं था कि यहाँ आ गया था और मुझे जैसा नहीं, नहीं ये तो जाना चाह रहा है शायद अभी। ए, ए, मेरी बात सुनो, ये कुछ भी नहीं है, तुम इससे दूर रहो, कुछ भी नहीं है ये। मैं जानता हूँ ये क्या है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी फ्यूचर से आए हो। एक मिनट, तुम कह रहे हो कि तुम ये सब चीज़ें पहले से जानते थे? बताने का वक्त सही नहीं था। वक्त सही नहीं था? तुम जानते भी हो फ्यूचर पे इसका क्या असर पड़ा होगा, कितनी टाइमलाइन चेंज हो गई होंगी? और इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि तुम वक्त से पहले बोलना सीख गए, आग जलानी सीख गए, पहिया बनाना सीख गए, और इस वजह से न जाने कितने पेड़ पौधे समय से पहले ख़त्म हो चुके होंगे। पेड़ पौधे ही नहीं, जीव जंतु भी नष्ट हो गए होंगे। ये भी हो सकता है कि मेरे दोस्त भी ना रहे, तो मेरे माँ बाप भी। काय, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा तुम छोड़ कर आए। तुम कह रहे हो कि टाइम से छेड़छाड़, बटरफ्लाई इफेक्ट सब मजाक है। टाइम ब्रह्मांड में ऐसा है जैसे समुंदर में पानी की छोटी सी बूंद, और यह ब्रह्मांड लाखों करोड़ों सालों से खुद को अपनी तरीके से चला रहा है, और ना जाने कितने राज इसमें दफन है। कुछ नहीं जानते, मैंने पढ़ा है कि टाइम ट्रेवल करने से चीजें बदल जाती हैं, टाइम लाइन बदल जाती हैं। तुम नहीं जानते, तुम्हें यूनिवर्स ने खुद बुलाया है, किसी टाइम मशीन ने नहीं भेजा, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक इवेंट है। कॉस्मिक इवेंट? हाँ काय, तुम जाओ यहाँ से, टाइम बहुत कम है। और वो उसको लाना केली खीर की तरह है। मैं उसको लेकर आऊंगा, मुझे ये बताओ ये कब तक रहेगा? कल सुबह का सूरज उगने के बाद ये कभी भी बंद हो सकता है। जाएगा काय।
गॉड कहाँ गए? शैतान, तू हमारे गोट को हमसे छीनना चाहता है? चीफ, मैं कोई गोट नहीं हूं, मैं भी तुम लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। इज्जत और ताकत ने असली जोई को खत्म कर दिया और मैं कब बन गया पता नहीं चला। मैं बस आने वाला भविष्य बेहतर बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं गलत था। काय सही है? नहीं, इस शैतान ने तुम्हें भी बेका दिया। तुम गोड हो, चलो। अरे बेचारा भाग गया। डर के कितना लंबा भागा हो, कितना जोर से भागा हो। अरे तू साले, तेरी दूसरी टांग भी फोल्डिंग कर देनी थी। ये कहां का इंसाफ है? अब दो टांग वाला एक टांग वाले से लड़ेगा। यस। देखा तो पक्का निकला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तारे, तू तो आदि मानवों का पोल वॉकर हो रहा। एक बात बताइए, 2023 के बाद ये अगली बार कब खुलेगा? अभी अगली बार तब खुलेगा जब बाहर से कुछ लोग आएंगे और बड़ी बड़ी त्रिकोणाकार की इमारतें बनेंगी। वीजा के पिरामिड्स। बातें करने का वक्त नहीं है, ये रही चाबी, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। मेरी धन्नो धन्नो मेरी भी एक्टिव होकर मैं धन्नो बोल देती। शुक्रिया एक बार फिर। चलो फाइनली घर जाने वाले हैं। ये क्या हुआ? पेट्रोल खत्म, बाहर निकल, जल्दी आ जा। धक्का मार। अबे टंकी फुल्ला रखवा के। साले फुल्ला आया था घर से, टूरे मार रहा है टूर। ए घर आ जा, मैं आऊंगा यहां। हे गाइस,
वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे गाइस। और गाइस कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रिकॉर्ड तोड़ दो सब्सक्राइबर्स का। और गाइस हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, ये रहा इंस्टाग्राम हैंडल, तो गाइस जल्दी जाओ और फॉलो करो और इसके BTS मीम सब बना दो, आग लगा दो। मुझे तो कैमरा पकड़वाना है, कैमरे इसका पार्ट 2 आना चाहिए क्या? ठीक है गाइस बताएंगे, ये बताएंगे बताएंगे। ये लास्ट में जो ग्लिम्स दिया है ना, ये नेक्स्ट पार्ट में तो नहीं आगे का बता रहा, वैसे भी ये पार्ट इसके आगे का मतलब ऐसा लग रहा है कि बस क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, देखे देखे देखे। ओ माय गॉड, ओके फाइनली वीडियो फिनिश हुई। ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो थी, मूवी थी मूवी, और आदि मानव की जो इन्होंने कहानी दर्शाई इस वीडियो में, इट इज अमेजिंग। जैसे शुरू हुआ ना, इट वॉज सुपर्ब गाइज, मतलब क्या फिल्मिंग की है, क्या एडिटिंग, क्या ही सीन है, पूरा एक ही लोकेशन पे शूट हुआ है। और ये लोकेशन ऐसे मतलब थोड़ा बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था ये ग्रीन स्क्रीन है या सही में वो लोकेशन है, एक्चुअली सही में ही होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मैंने ये लोकेशन कभी देखा नहीं है, कभी टीवी पर भी या फिर फोटोज में भी, बट ऐसे रियल बहुत होते हैं, तो ये कहाँ की लोकेशन है कहाँ की नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट आप में से किसी को पता होगा तो जरूर कमेंट करना। अदरवाइज इनकी पूरी जो 6 महीने बाद ये इतनी बड़ी मूवी आई है, सुपर्ब गाइज। इसके अंदर हाँ पहले जैसा एकदम ज्यादा गालियां और ज्यादा कॉमेडी नहीं, बल्कि इन्होंने अब जो है ज्यादा फोकस कहानी पे रखा है, किस तरह आदि मानवों की जिंदगी होती है और जिस तरह वो फ्यूचर से आए थे टाइम में, वो पास्ट में आना हुआ ना। हाँ तो खैर बहुत अच्छा लगा देखकर। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि काये को देखकर लग ही नहीं रहता कि काये भी जो गॉड है नाजिम, जिस तरीके से आया था फ्यूचर से वैसे आया हुआ है, लेकिन बाद में जब पता चला कि अरे काये भी वैसे ही आया हुआ, थोड़ा सा तब समझ में आने लगा बाद में कि हाँ काये भी वैसे ही आया हुआ था और जो नाजिम है वो भी, दोनों साथ के ही निकले। बाकी वसीम का जो पार्ट है वो ज्यादा, अगर इन्होंने पूछा है कि फेवरेट पार्ट कौन सा, तो वसीम वाला पार्ट काफी ज्यादा हिलेरियस था, जिस तरीके से बार बार क्या ही हालत होती होगी, तो रियल में नहीं हुआ लेकिन जिस तरह वीडियो में देखा है ना तकलीफ हो गई। और बाद में अकाए को भी जिस तरीके से मारा है ना, ऐसे एकदम से मैं तो ऐसे हो गई थी क्या हो गया। खैर लास्ट में लुक बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों का, और जो इन लोगों की जो पूरी टीम थी इसके अंदर, सबने इतनी मेहनत एक ही जगह पर, पता नहीं कितने दिन लगे होंगे, कितना कुछ इनका इतना एफर्ट्स है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा लगा देख के, बहुत ही डिफरेंट। मतलब ये वीडियो ना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब क्या, मेरी आंखों को इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, मैंने वीडियो के बीच में भी बोला बहुत अलग ही तरीके से, मतलब एक देखने को ऐसे आंखों को लग रहा था कि राउंड 12 की वीडियो क्या ही एकदम अलग ही तरीके से आई है, एकदम अलग, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था वीडियो। बस इसके बाद वाली वीडियो जो भी रहेगी प्लीज जल्दी से लाना, बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके कॉन्सेप्ट, इनका जो भी कंटेंट है बहुत ही अच्छा मजेदार लगता है। और हाँ जिस तरह गाली जो रिपीट कर रहा था काये, वो भी मेरा बहुत फेवरेट पार्ट रहा, वैसे तो काये का पार्ट मेरा फेवरेट ही रहा है। और नाजिम बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना जैसे एकदम वो नहीं कॉलेज के बॉयज होते हैं, बिल्कुल वो वाली जूनियर कॉलेज के बॉयज होते हैं ना, उस तरीके का एकदम से लुक लग रहा था। खैर सबने बहुत अच्छा इसके अंदर काम किया है, बहुत ही सबको देखकर अच्छा लगा, इतने टाइम बाद इन लोगों की टीम को देखकर वीडियो में बहुत अच्छा लगा। आदि मानवों की जिंदगी इन्होंने अपने अंदाज में जो दिखाई वो देखकर भी अच्छा लगा, कुछ ना कुछ मैसेज इनके वीडियो के थ्रू जाता ही है। जिस तरीके से वो लोग एकदम से भूख को जैसे शिकार के लिए परेशान थे, किस तरह की जिंदगी होती होगी बाप रे आदि मानवों की, शिकार को तलाश करते रहते, उनको तो मतलब हर चीज में बेचारे शिकार ढूंढ रहे थे, गॉड मानने लगे नाजिम को, तो मतलब बहुत ही एकदम मासूमियत, जैसे उन लोगों को कुछ समझ रहा था नहीं समझ रहा था, कुछ बता रहे कुछ और थे वो समझ कुछ और रहे थे, तो ये आदि मानवों की जिंदगी देखकर अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को इस वीडियो से क्या समझ में आया जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, प्लीज 6 महीने मत लगाना, जल्दी जल्दी लाना। और इन्हीं की वीडियो होती है, इन लोगों की ही वीडियो है जिसमें मैं बहुत खुल के हंस पाती हूँ, इन लोगों की ना मतलब जैसे शुरू होती है ना बात, वहीं पे हंसी छुट जाती है, तो बस मुझे तो हमेशा मजा आती है चैन की वीडियो, कोई कितना ही बोले कि पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा,
हे बेटी, बेटी इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से दिखा दो, ये है बेटी, हमारा बेटी। आपको कैसी लगी? आप तो देखे नहीं ना, आप बाद में टीवी में देख लेना, ठीक है? चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरे साथ देखने के लिए अच्छा लगा होगा ये रिएक्शन वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।